नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का दिन का जो सेकंड मैच होगा वुमेन्स T20 क्वाड्रेंगुलर सीरीज का, जो मैच होगा दोस्तों मलेशिया वुमेन वर्सेस नेपाल वुमेन्स के बीच। वीडियो में आपको मिलेगा इन डेप्थ में दोनों ही टीम के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। गाइस, आप अगर वीडियो अच्छे से ध्यान से अंत तक देखते हो तो आप एक बेटर टीम बहुत इजीली इस मैच का खुद आप अपने से क्रिएट कर पाओगे। बट स्टिल दोस्तों, मैं इस मैच के रिलेटेड एंड अगले मैचेस के कवरेजेस, अपडेट्स एंड डेमो टीम आपको प्रोवाइड करने वाला हूं टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में आपको एसोसिएट्स, अभी जो मेरा प्राइम फोकस है ना, वो दोस्तों है एसोसिएट्स कंट्रीज के मैचेस के इन डेप्थ में एनालिसिस। और उन्हीं के साथ दोस्तों, एसोसिएट्स कंट्रीज के मैचेस के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं डोमेस्टिक मैचेस, जैसे कि ECS के एक्सक्लूसिव कवरेज भी कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसमें प्रेस करना है और रिडायरेक्ट हो जाना है टेलीग्राम चैनल। अभी आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। काइंडली लाइक करके स्टार्ट रखना अगले मैचेस के दोस्तों, उसमें हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं वो ट्राई भी करूँगा अच्छे से कवर करना। देखोगे ना वेन्यू कौन सा, पूरा टूर्नामेंट सेम यूज़ होगा, कुआलालंपुर। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, वुमेन्स क्रिकेट है, एक तो रन कम बनते हैं, ऊपर से दोस्तों कुआलालंपुर में ना अभी बहुत ज़्यादातर टाइम में यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन रहता है, तो एक और रीज़न है दोस्तों यहाँ पे ना लो स्कोरिंग मैचेस दिखते हैं बेसिकली, ठीक है, इस ग्राउंड में। तो और भी सब कुछ ऐड कर लेते हो तो एवरेज स्कोर बन जाता है दोस्तों 100 के करीब, 100 से 120 भी अभी तो बहुत ही मुश्किल से बन रहा है, 100 के करीब ही रन बन रहा है, ठीक है। मलेशिया वर्सेस नेपाल के बीच होगा ये मैच, ये अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच नहीं है, क्योंकि 2023 में ये दोनों टीम ने ऑलरेडी 2 times खेल चुके हैं, ठीक है, 2 times ऑलरेडी खेल चुका है, उसका भी रिकॉर्ड बताऊंगा दोस्तों। और दोनों बार सेम टीम ने विन नहीं किया था, एक बार नेपाल ने विन किया, एक बार मलेशिया ने विन किया। और दोस्तों उससे पहले 2023 में दोस्तों इनफैक्ट इन्होंने ना दो नहीं दोस्तों चार मैच खेला है, सॉरी चार पाँच मैच खेला है, नेपाल ने टोटल 2-3 मैच विन किया और मलेशिया ने 2 मैच विन किया। तो ये मैच कतई वन साइडेड मैच नहीं होगा, अच्छा मैच होगा। अगर देखोगे टूर्नामेंट प्रीव्यू में, 4 matches done, 1 bat first 3 bar bat second, तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल सकता है, जो टीम चेजिंग करेगा ना उसको स्लाइटली एडवांटेज होगा, मतलब वो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगा उनके एक्स्ट्रा बॉलर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मलेशिया का इंटरनेशनल रैंकिंग 28 है, इनसे एक मैच विन किया इस टूर्नामेंट में, 1 मैच आ रहा है। आइना अमीजा ओपन करेंगे दोस्तों, ये देखो ये प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक है, कैप बीसी बनाओ ना बनाओ टीम में मस्ट पिक बना के चलो। कैप बीसी कब बना सकते हो, अगर बॉलिंग इन्होंने फर्स्ट किया ना, फर्स्ट इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग किया तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, अदरवाइज बिना कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर जाना। वैन जूलिया उतना खास विकी में पिक नहीं है, बट अगर दोनों टीम का विकी मिलाओगे तो वैन जूलिया एक बेटर विकी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि नेपाल का विकी जो काजल श्रेष्ठा है ना वो बैटिंग बहुत नीचे करती है, तो वैन जूलिया बेटर हो जाती है। मास एलिसा एक दोनों टीम मिला के बेस्ट ऑफ बेस्ट बैटर है दोस्तों, मास एलिसा मस्ट पिक प्लेयर होना चाहिए आपके लिए, हो चुका है कौन, अमीजा वैन और मास एलिसा तीनों को ही रखने वाले हैं। वैन विकी में इसलिए, अमीजा ऑलराउंडर है, मास एलिसा बेस्ट बैटर। महारत इजात इस्माइल, ये बोथ कंडीशन कैप्टन वाली पीक है दोस्तों, अच्छी प्लेयर है, बॉल फर्स्ट हुआ तो ज़्यादा बेटर है, बट बॉल सेकंड में भी कैपीसी बना सकते हो। 4 प्लेयर आ चुके हैं, मैं नहीं लूँगा इनको। अलीसा फिरदौस, देखो कोई नहीं लेने वाला, बट मैं आपको बता रहा हूँ ग्रैंड लीग में अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ ना, ये बहुत बेटर कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाती है, ठीक है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, अच्छा नहीं है, मैं तो वो बाद में आता हूँ, बट डेफिनेटली दोस्तों ये प्लेयर आपको बॉलिंग करते हुए जरूर दिखना चाहिए, अच्छे प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर है दोस्तों। आइसा एलिसा फिरदौस, ठीक है, 2-7-0 लास्ट मैच में था, ये बॉलिंग जरूर कराएगी। नूरदानिया सुहैदू, देखो यहाँ पे नूरदानिया और निक नूर अड्डीला में ना क्या होता है कि कभी, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, निक नूर विकेट निकालती है, कभी नूरदानिया सुहैदा विकेट निकालती है, ये एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। बट हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे तो दोनों को एक साथ रख सकते हो, बट वो बॉलिंग फर्स्ट होने से, बॉलिंग सेकेंड हुआ दोनों में से किसी एक को ही लेना पड़ेगा, मे बी निक नूर हाईली सिलेक्टेड है अभी तो सेफ हो जाते हैं, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ दोनों को रख सकते हो, कोई भी 2-3 विकेट निकाल सकती है, ठीक है, ग्रैंड लीग में तो जरूर यूज़ करना रोटेट करके। ओपनिंग बॉलिंग इस्माइल, आइना हमीजा, एलिसा, डेथ में इस्माइल, आइना हमीजा और निकनू रटीला करते हुए दिखेंगी, बेसिकली इस्माइल आइना हमीजा दोस्तों आपको डेथ में भी करते हुए दिखती है, ठीक है, और अलीसा फिरदौस भी डेथ में कर सकती है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट मैच देखोगे तो इन्होंने ओवर कंप्लीट नहीं कर पाया था, उससे पहले मैच खत्म हो गया था। महिरा इज्जाती इस्माइल दोस्तों फर्स्ट मैच में पहला और तीसरा, और दूसरा मैच में दोस्तों दूसरा चौथा छठा। आइना हमीजा पहला मैच में दूसरा और चौथा, जो मैच 5 ओवर का हुआ था दोस्तों दूसरा और चौथा डाला था लास्ट मैच में, एक ही ओवर। निकटू रटीला 5
पांचवा ओवर डाला था फर्स्ट मैच में और लास्ट मैच में आठवा ओवर डाला है। फर्स्ट मैच में पांचवा ओवर जो डाला इन्होंने वो इनिंग्स का लास्ट ओवर था, इनको दो विकेट मिला था। आयशा अलीसा ने फर्स्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराया, अगले मैच में तीन और पाँच। बेसिकली आयशा अलीसा आपको पावर प्ले में करते हुए दिखती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो नूर दानिया स्वेदी ने सातवा और नौवा, बेसिकली यही पांच बॉलर है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डालते हुए दिखेंगे दोस्तों। इनके बीच ही ओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लेयर स्टेट्स इस सीरीज से पहले का रिकॉर्ड है, यहाँ पे चाहो तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड रिव्यू कर सकते हो। कोई भी प्लेयर ऐड होता है ना दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना पड़ता है प्लेयर्स के पास रिकॉर्ड और उसके बाद उनको अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। काइंडली एक बार ज़रूर आप इनके प्लेयर्स के पास रिकॉर्ड देख लेना। और ये जो ग्राउंड यूज़ हो रहा है ना, इस ग्राउंड में दोस्तों बहुत ही कम रन बन रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा बॉलर जरूर ट्राई कर सकते हो, बट मेरा मानना है एक्स्ट्रा बैटर ट्राई करना आपके लिए रिस्की हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखो, बैटर और बॉलर के बीच में डिफरेंस क्या है फैंटेसी में? बॉलर अगर विकेट निकालती है डायरेक्ट वो 25 पॉइंट्स आपको देने वाली है, बट अगर बैटर्स आपको विकेट निकालते हुए दिखेंगी, सॉरी बैटर्स जब रन करती है दोस्तों वो एक दो तीन चार पाँच कोई भी रन बना सकती है। मतलब बैटर्स मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ पॉइंट देती है, बट बॉलर्स नहीं देती है। बॉलर्स देती है तो सीधा बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, जो आपको बेसिकली 3-4 मेंबर्स में बहुत ज़्यादा वाइटल होता है बॉलर सिलेक्शन करना, ठीक है ना। ये कुछ प्लेयर्स है जो दोस्तों आप पास रिकॉर्ड आप चाहो तो रिव्यू कर सकते हो। नेपाल ओमेन अब तक दो खेला है, दोनों मैच विन किया। इनसे दोस्तों पूजा महतो ओपन करेंगी, प्लस ये आपको दो से तीन ओवर दे रही है। स्मॉल लीग में सेफ प्लेयर है, बट हाँ कैप्टन वाइस कैप्टन मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाने वाला हूँ, स्मॉल लीग के रिस्पेक्ट में दोस्तों सेफ प्लेयर है पूजा महतो। बिंदु रावल फिर समझना, खरका ने एक और 36 बनाया। सीता राणा मगर 3-8-1-4 रन देके 5 विकेट उसके आगे वाला मैच में। ये बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है। देखो लास्ट मैच में ओवर कंप्लीट नहीं कराई थी सीता राणा मगर, बट हाँ ये आपके लिए डेफिनेटली गो टू पिक रहने वाली है दोस्तों। ड्रॉप करने का गलती से भी सोचना मत। पूजा महतो भी मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों। बिंदु रावल बैटिंग सेक्शन में मिलेंगी, समझना खरका बैटिंग सेक्शन में। रूबीना छेत्री उसके बाद आने वाली है दोस्तों, ये भी मस्ट पिक प्लेयर है, 4 ओवर प्लस बैटिंग। इंदु वर्मा, आप देखो इंदु वर्मा का विकेट ना बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपको पता है? इंदु वर्मा जी जो है ना वो दोस्तों आपको बेसिकली कहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखती है पता है? एकदम अंतिम के ओवर्स, मतलब ये इनके जो दो तीन विकेट होते हैं ना वो टेल एंडर के ही होते हैं दोस्तों। जैसे कि लास्ट मैच में भी इनको दो विकेट टेल एंडर का था। इंदु वर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक तो है, बट कैप बी सी में उम्मीद बता रहा हूँ, अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग होता है तो एक टीम में बिना कैप बी सी भी जा सकते हो और एक टीम में डायरेक्ट कैप्टन बना के भी जा सकते हो। देखो आपका टीम को थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा, मेरा सिंपल लॉजिक है। मे बी आपको रिस्क लग सकता है, बट ये मेरे हिसाब से लॉजिकल है। कविता जोशी ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, क्यों नहीं किया पता है दोस्तों? खुशी दोंगल और आई बीस खेल रहे थे। मैंने लास्ट मैच में कविता को इसीलिए ड्रॉप किया था, सब ले रहे थे, मैंने क्यों ड्रॉप किया? रिस्क था अनडाउटेडली। देखो खुशी दोंगल ने 4 ओवर डाल दिया, ये दोस्तों लास्ट मैच में खेल रही थी और दोस्तों इन्होंने 4 ओवर डाल गया। एक इंटरेस्टिंग और बात बताऊं, मुझे ना एज बॉलर खुशी दंगल बहुत अच्छा लगा। पेस है इनके पास, बहुत कम बॉलर होते हैं जो एसोसिएट कंट्रीज के जिनके पास पेस होते हैं, मैं स्पिनर्स का बात कर रहा हूं, और इनके पास बॉल में पेस है। जब स्पिनर के बॉल में पेस होगा ना वो और भी मुश्किल होता है खेलना। अश्वरी बिस्ट मुझे उतना खास लगा नहीं, इग्नोर ही करेंगे। काजल श्रेष्ठा बैटिंग बहुत नीचे है, विकी सेक्शन में मिलेंगे। कविता कुनवार मस्ट पिक प्लेयर है इस टीम का, डेफिनेटली गो टू प्लेयर है जिसके साथ आप ड्रॉप रोटेट करने का गलती से भी सोचना मत। तो कविता कुनवार को आपको मस्ट पिक बना के चलना है, बट डेफिनेटली दोस्तों मेरा मानना है आप खुशी दोंगाल को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बेंच में कुछ प्लेयर बैठे हैं, ओपनिंग बॉलिंग कुनवर पूजा और सीताराणा मगर, डेथ में सीताराणा मगर के डंगोल और आई बीस्ट आपको करते हुए दिख सकती है इस टीम से। तो आई बीस्ट शायद नहीं करेंगी, बेसिकली सीताराणा मगर और यहाँ पे इंदु वर्मा, हाँ इंदु वर्मा आपको डेथ में करते हुए दिखेंगी, ठीक है। ये एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इंदु वर्मा बेसिकली इनके जो विकेट होते हैं ना ज़्यादातर विकेट्स इंदु वर्मा जी का वो डेथ ओवर्स में होता है, ठीक है। अब आता हूँ मैं कहाँ पे दोस्तों, ओवरकट में। लास्ट मैच में कविता का ओवरकट हो गया था, अश्विना ने नहीं खेला था। प्ले स्टेट्स इस सीरीज से पहले का रिकॉर्ड है, आप चाहो तो यहाँ पे अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो दोस्तों। इन टीम्स ने ना मैं पहले ना दो सोचा था दोस्तों, मैच खेला है हेड टू हेड में नहीं, दो ने पाँच मैच खेला है, तो मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड ओवरऑल नहीं लिख रहा हूँ। बट ये आपको समझना पड़ेगा, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे उनको स्लाइटली एडवांटेज मिलेगा दोनों टीम। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा टीम बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि नेपाल ओमेन का बॉलिंग यूनिट ना ज़्यादा स्ट्रांग है, स्लाइटली ज़्यादा स्ट्रांग है, और नेपाल ओमेन के जो बैटर्स है ना वो बहुत डीप तक है। बट अगर आप वहीं पे देखोगे मलेशिया ओमेन्स, इनके पास जो बैटर है ना बहुत हद तक मार्स एलिसा के ऊपर डिपेंडेंट है, और इससे पहले जो हिट टू हिट उनका हुआ था ना, जहाँ पे दोस्तों आपको विनफ्रीड दुरेसिंघम जैसे प्लेयर्स खेलते हुए दिख रहे थे, जो मलेशिया का दोस्तों ऑलमोस्ट मलेशिया जो टीम है ना उनका 30%
काम विनफ्रेड दुरेसिंघम कम कर लेती है। तो दोस्तों वो खेल रही थी इसके आगे वाले मैचेस में, तो इसलिए दोस्तों मलेशिया भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो अब नहीं खेल रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेटर टीम होगी इस मैच में वो होने वाली है दोस्तों नेपाल वुमेन, ठीक है। इससे पहले जो हेड टू हेड हुआ लास्ट कुछ मैच, उसका अगर समरअप मैं आपको बताऊं, मलेशिया वुमेन ने लास्ट हेड टू हेड मैच में 109 रन बनाए थे 5 विकेट से, नेपाल वुमेन चेस कर गई थी 110 रन दोस्तों 7 विकेट से चेस हो गया था। उस मैच में सबसे ज़्यादा रन वेन जूलिया ने 47 और उसके बाद विनफ्रेड दुरेसिंघम का 24 रन का था। और दोस्तों नेपाल वुमेन से कविता जोशी का 2 विकेट था, आई बिस्ट का 1 विकेट था, जो दोनों प्लेयर को हम लोग इस मैच में ड्रॉप करने वाले। और नेपाल चेस करते हुए सीतारानम अगर ने 34 का नॉक खेला था, रूबीना ने 23 का। बॉलिंग से नेपाल मलेशिया से दोस्तों आइना हमीजा हसीम ने 2 विकेट निकाला था, रेस्ट इजाइती इस्माइल, विनफ्रेड दुरेसिंघम जो खेल नहीं रही है 1-1 विकेट, अलीसा ने 1 विकेट, नूर दयाना सहदू ने 1 विकेट। उससे आगे वाले मैच में भी हेड टू हेड में अगर आप देखोगे विनफ्रेड दुरेसिंघम ने 3 विकेट निकाला था। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है मलेशिया वुमेन का वो खेल ही नहीं रही है, कौन है वो, विनफ्रेड दुरेसिंघम। अगर ये प्लेयर खेल गई तो दोस्तों ये कैप्टन वाइस कैप्टन पिक बन जाएंगे, अगर ये प्लेयर नहीं खेलते तो मलेशिया वुमेन वीक हो जाएगा इस मैच में, स्पेशली अगर मलेशिया वुमेन ने बैटिंग फर्स्ट किया, और भी वीक मुझे दिख रहा है मलेशिया वुमेन। अब चलता हूँ मैं हमारे ड्रीम इलेवन टीम में। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, मुझे भी चीख चीख के बता पा रहा हूँ, मैं वीडियो भी बहुत लेंथ में बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है। और अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा था वीडियो 50% बारिश था, अब 200% बारिश हो गया, इतना ज़ोर से बारिश है। तो मैं समरअप कर रहा हूँ वीडियो, सीधा हम लोग चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में। माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं बताया क्योंकि 5 हेड टू हेड इसी साल में खेला है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसमें विनफ्रेड दुरेसिंघम का था जो है नहीं अभी, तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा चेंज होगा। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में। तो गाइस ये रहेगा मेरा फिलहाल ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ पे दोस्तों मैंने कैप्टन ना इंदु वर्मा जी को बनाया, वाइस कैप्टन सीतारानम अगर, हमारे पास है कविता कुनवर, पूजा महतो, रोबीना छेत्री, हमारे पास है एम स्माइल, एनिकनो रटीला, के डंगोल, हमारे पास मास एलिसा, हमीजा, वैन जुलिया। फिलहाल तो दोस्तों ये रहेगा मेरा कवरेज इस मैच का, बट डेफिनेटली गाइस ये मेरा फाइनल अपडेट नहीं है दोस्तों। जो मेरा फाइनल अपडेट होगा या फिर जो मेरे डेमो टीम्स वगैरह होंगे ना दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।